हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ क्षितिज और आप देख रहे हैं गेम बीस्ट। तो आज से हम एक नई सीरीज खेलने वाले हैं जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। वैसे माइनक्राफ्ट बहुत ही पॉपुलर गेम है, हर कोई गेमर इस गेम को खेलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले करते हैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड। उसके बाद शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देते हैं। इसको 6 पर रहने देते हैं और एक्टिवेट चीट्स और क्रिएट। अच्छा, मैंने बहुत बार माइनक्राफ्ट खेला है। कितना टाइम लेगा ये? मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा गेम जो है लोड हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस वर्ल्ड में, हमें चाहिए होता है वुड। उससे हम बना सकते हैं इक्विपमेंट। जैसे कि अब मुझे इसे मारना है तो मुझे एक सोर्ड बनानी पड़ेगी वुड की। तो वो मुझे फॉरेस्ट में मिलेगी वुड। तो चले उधर जाते हैं। और सबसे पहले हमें वुल चाहिए। वुल से हम बना सकते हैं बेड। और अगर रात हो गई तो हम लोग जल्दी से बेड पे सो जाएंगे और जल्दी से सुबह हो जाती है बेड पे सोने से। और रात को ज़ॉम्बीज आते हैं, इसलिए उसका एक डर रहता है। और मैं ये जल्दी से ये वुड ले लेता हूँ। अरे कितना टाइम लगता है। जल्दी हो जा। और जब हम इस पूरे पेड़ को काट देते हैं तो इसकी जो ये पत्तियां हैं वो झड़नी शुरू हो जाती है। और हमें ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिज सैपलिंग है, ये हमें जब मिल जाते हैं तो हम और एक ट्री उगा सकते हैं। तो ऐसे हमें वुड ऐसे हमें ज़्यादा वुड मिलेगा। और मेरा भी प्लान है कि मैं कम से कम 30-40 वुड ले लूं, क्योंकि आज के आज मुझे मेरा घर भी बनाना है जल्दी। हो जा। और अब किधर जाऊं? मैं ये वाइट वाली ये ब्रिज है, ब्रिज लॉग है जो हमें मिल रहा है। मुझे बस ये पसंद है क्योंकि इसका जो प्लैंक्स बनाते हैं हम, ये बहुत अच्छे दिखते हैं वाइट कलर के थोड़े से। किसी ने ड्रॉप नहीं कर दिया ना सैपलिंग? हाँ देखो, जब ये पेड़ झड़ना शुरू हो जाता है तभी ये सैपलिंग्स ड्रॉप करते हैं। लैग हो रही है थोड़ी सी गेम, मुझे लग रहा है थोड़ी सी गेम लैग हो रही है। और आपको शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक मेरे पास 30 या तो 40 वुड ना आ जाए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास 43 ब्रिज लॉग हो गए, फिर 3 ब्रिज सैपलिंग हो गए और एक एप्पल है मेरे पास जो पेड़ ने ड्रॉप कर दिया था। अब मुझे चाहिए शुगर केन। ऐसे शुगर केन है ना, क्या है शुगर केन है शायद? हाँ, तो हमें शुगर केन मिल गया जो कि बाद में पता नहीं कब काम आएगा।
अब हाँ इधर और एक है, और अब मुझे एक घर बनाना है अपना, तो मुझे एक फ्लैट सरफेस चाहिए होगा, और मैं सोच रहा हूँ कि ना यहाँ पे ही बना लूँ एक घर, क्योंकि थोड़ी अच्छी जगह दिख रही है मुझे। लेकिन नहीं, हम थोड़ा अच्छा सा ही घर बनाएंगे थोड़ी अच्छी जगह पे, तो ढूंढते हैं अब। और मुझे वुल भी चाहिए, लेकिन ये ब्लैक शीप है, मुझे वाइट शीप की ज़रूरत है। और ये दो भी बस हो गए। मुझे शीप नहीं मिल रही है कहाँ पे भी, और पिग्स है, इनको मार देता हूँ मैं। तो मर जा, अरे तो अब मैं यहाँ पे केव है शायद, केव है, हाँ ये केव है। तो गाइस, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना ये इसका प्लैंक्स, ये देखो ब्रिज वुड प्लैंक्स बना लेने सबके, तो इसके सबके सब प्लैंक्स बना देते हैं, क्योंकि जो लॉग है वो किसी काम में नहीं आता, सिर्फ यही काम में आते हैं। और एप्पल शुगर कैन डॉट अपना सिर रख लेता हूँ। हाँ तो अब हमें चाहिए एक, हाँ एक क्राफ्टिंग टेबल, बैक हो जाओ। हाँ तो इस क्राफ्टिंग टेबल से, सॉरी, हमें बनाने स्टिक्स। स्टिक्स के बाद हमें चाहिए ये एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स, ठीक है। और जैसे कि स्वॉर्ड काम आती है एनिमल्स को मारने में, ज़ॉम्बीज, एक्स काम आता है पेड़ जल्दी काटने में, और पिकेक्स काम आता है रॉक तोड़ने में, और शवल इसके काम आता है जिसके डर्ट ब्लॉक्स होते हैं इसको ऐसे कट करने में, तोड़ने में। और ये एक हो है, हो तो खेती करने में काम आता है, वो हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले अब मैं स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके हम लोग अभी स्टोन एक्यूपमेंट्स बनाएंगे। एक्यूपमेंट्स के 3 लेवल होते हैं, पहला होता है वुड, सेकंड होता है स्टोन, थर्ड होता है आयरन, मतलब तीन नहीं सॉरी, तीन ही टोटल 5 होते हैं शायद। स्टोन के बाद आयरन, आयरन के बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद लास्ट में होता है वो डायमंड। तो अभी हम, हमारे पास ये स्टोन, मतलब ये वुड का है पिकैक्स, सबसे ताकतवर डायमंड है, और गोल्ड अच्छे लेवल पर आता है 4th लेवल पर, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होता है। उससे जैसे कि गोल्ड का पिकैक्स यानी मतलब इसके जितना ही स्ट्रांग होता है स्टोन पिकैक्स जितना। और मैं तोड़ते रहने वाला हूँ कॉबल स्टोन जब तक कि मेरे पास, मतलब मेरा पिकैक्स जो है टूट नहीं जाता, तब तक मैं ये करते रहूँगा, स्टोन कलेक्ट करते रहूँगा मैं। तो अब अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा शायद, पता नहीं। तो स्टोन पे मतलब वुड पिकैक्स अब टूटने वाला ही है, और मुझे स्केलेटन का आवाज़ आ रहा है, देखो। शिट शिट ओह शिट, ओह माय गॉड, इसे हमें अब मारना पड़ेगा। शिट, कवर हो जा। हाँ तो आप सेफ हो गए थोड़ा सा, मार रहा है बहुत। शिट, मुझे को दिख भी नहीं रहा है, गॉड। स्केलेटन गया वो,
मुझे एक कोल का ब्लॉक लाना पड़ेगा इसको तोड़ के। जल्दी से जाते हैं। गॉड शिट, या मैं मार रहा है। तो हमें अब सेफ सी जगह पे जाना है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक मैं इससे निपट नहीं लेता। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब सुबह हो गई है और यहाँ पे क्रीपर था जो अभी फट गया है। और अब क्या करें, क्रीपर फट गया जो अभी यहाँ पे था। अब मैं इसको पानी का जो वाटर सप्लाई मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगा, पर इसको बंद करने से हो जाएगा। और ये वाटर ज़ॉम्बी यहाँ पे घूम रहा है अपना मजे से। इसको बंद करने से पानी चला जाएगा। हाँ तो गाइस, पानी चला चुका है, पूरे अंदर तक पानी गया था। तो कोई बात नहीं, हम ये कोल ले लेते हैं और इसके हम लोग बनाएंगे टॉर्चेस। अपने देखा था कि इतना अंधेरा हो गया था। और एक मिनट, को तो तीर मार रहा है, आवाज आ गई। अच्छा तो स्केलेटन अंदर ही है लगता, बाहर तो कोई नहीं है। अंदर ही है क्या? हाँ अंदर ही है वो। तो कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा सा कोल है। और मैं ये केव में मेरे को जाने का मन कर रहा है क्योंकि वहाँ पे आयन है। आयन का जब हमें पिकैक्स और ये मारना पर शुरू हो गया है, में लग भी रही है। और जब हमें आयरन मिलता है हम उसका हम पहले स्टोन से एक फर्नेस बनाएंगे, फिर वो फर्नेस में हम लोग कोल एज फ्यूल यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये आयरन और उसमें डाल के उसमें हम लोग को मिल जाएगा आयरन इंगट्स। इंगट्स मिलने के बाद हम लोग एक शील्ड बना पाएंगे जो हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो मुझे तोड़ना है, लेकिन सबसे पहले मुझे एक स्टोन पिकैक्स चाहिए क्योंकि वुडन पिकैक्स से वो टूट नहीं सकता। आयरन जब हम तोड़ सकते हैं लेकिन हमें वो मिलेगा नहीं, इसीलिए हमें एक स्टोन पिकैक्स बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और अब जाने से जल्दी से जल्दी जल्दी हमें एक एक भी मिल गया तो भी काफ़ी है। मैं कोशिश करूँगा सभी ले लूँ। मुझे कवर करना है जल्दी। हाँ यस, अभी नहीं मार पाएगा वो शायद। अरे जल जा शिट, मेरी हेल्थ। अरे शिट, हम मर गए। किधर स्पॉन हुआ हूँ मैं? आसपास ही स्पॉन हूँ शायद, मुझे याद। हाँ देखो, अब हम जब भी मरते हैं एक टाइम लिमिट रहता है जब हम अपना सामान ले सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे जाएंगे, वो मर गया शायद। नहीं मरा है, नहीं मरा है। अंदर कैसे जाऊँगा? शिट, गॉड। हाँ तो अब हमने खुद को कवर कर लिया, तो अब हमें वो मार नहीं पाएगा। और सबसे पहले मैं इन्वेंटोरी में सब कुछ रख देता हूँ। ये नहीं चाहिए, स्वॉर्ड चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्राफ्टिंग टेबल ऊपर ही है हमारा। और ये बस ठीक है। तो अब हम ये आयरन ले लेते हैं। और मेरे पास स्वॉर्ड, हाँ है मेरे पास स्वॉर्ड। अब जल्दी से जल्दी हमें पहले उसे मारना है। कहाँ पे है, कहाँ पे है वो? वो बच जा रहा है बार बार। ओ शिट शिट शिट, अरे तो छुप के मार रहा। अरे स्पाइडर, ये स्पाइडर है जो दिन के वक्त कुछ नहीं करती, लेकिन अब हम के हाँ। तो अब देख सकते हैं हमने उसे मार दिया है। तो अब यहाँ का हमारा काम हो चुका है, तो अब इस केव का कुछ काम नहीं है। तो मैं जितना आयरन और चाहिए था हमने ले लिया है।
और मेरे को पिकैक्स तोड़नी है अपने, मेरे को इसकी कुछ जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं एक फर्नेस बना लूंगा और फिर एक आयरन ओर को आयरन इंगट में बदल दूंगा और वीडियो एंड कर दूंगा, ठीक है। एक शील्ड भी बना देता हूँ तब तक, तब मतलब आपको शायद नॉइज आ रही होगी पीछे, पर प्लीज इग्नोर कर दीजिए। कोल जब हम लेते, तो हम जब फर्नेस बनाएंगे तो हम लोग उसमें फूड भी कुक कर पाएंगे। फूड कुक करने के बाद हमें हमारी जो फूड की जो बार है वो फुल हो जाएगी, और फुल होने के बाद हमारी जो हेल्थ है वो भी बढ़ती है। जब हमारा फूड बार फुल होता है और जैसे किसी ने आपको मार, आपकी हेल्थ गई, तो वो वापस आ जाएगी, क्योंकि हेल्थ बार जब फुल रहेगा। इसलिए खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और अब मैं बना लेता हूँ एक फर्नेस। इसमें हम डाल देते हैं अपना कोल और ये आयरन ओर। तो ये देखिए इधर लिख रहा है, लिख के आ गया हुआ आयरन इंगट मिलेगा हमें इससे। तो हमें ये क्या मिल गया, डियोराइट। इसको फेंक, अरे पानी में कहाँ गिर गया। इसको ऐसे प्लेस, कोई बात नहीं। और वापस गिर गया है, क्या मुसीबत। तो कहाँ बना रहा। हाँ तो ये देखिए हमारा शायद हो गया रहेगा। तो हमें आयरन इंगट्स मिल गया, तो इससे हम एक शील्ड बना पाएंगे। जब शील्ड हमें मिलती है तब हम इसे एक्यूपाई कर लेंगे, तो जिसकी कोई भी हम पर अटैक कर दे तो हम लोग क्राउच करेंगे। ये जो हमारा लेफ्ट राइट फ्रंट बैक का जो है बटन्स है, उसके बीच में जो बटन है उस पर डबल टैप करके हम ऐसे नीचे बैठ जाएंगे और ये शील्ड बाहर आ जाएगी। तो इससे हम लोग बच सकते हैं जब कोई अटैक करेगा, जैसे कि स्केलेटन हो या जॉम्बीज, सबसे हमें बचाती है शील्ड। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।